आज का दिन झारखंड की राजनीति के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज ईडी के चौथे सम्मन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होना था। लेकिन उससे पहले ईडी की बजाय सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख किया है और वहां पर पिटीशन दायर की है, याचिका दाखिल की गई है कि इस तरह की पीड़क कार्रवाई से उन्हें बचाया जाए या उनके फेवर में फैसला हो। तो अब जब हाईकोर्ट जो फैसला लेगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, मुख्यमंत्री का राजनीतिक भविष्य तक निर्भर करता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये समझने की हम कोशिश करेंगे। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ रही है। करिश्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज का था। अगर हाईकोर्ट का रुख नहीं करते मुख्यमंत्री तो उन्हें ईडी कार्यालय जाना होता, अगर वो नहीं जाते तो उनके खिलाफ ईडी कोर्ट जा सकता था, तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती। अब जब हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री के सपोर्ट में आए या फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा वैसा झटका अगर मुख्यमंत्री को लगता है, तो ये झारखंड की राजनीति के लिए कितना बदलाव वाला होगा? जी, जाहिर सी बात है कि बदलाव अभी से ही शुरू हो गया है, जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। उसी वक्त से सियासी हलचल जो है वो काफी तेज हो गई थी, आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे पहले भी अवैध खनन मामले में बुलाया गया था। उसके बाद जमीन घोटाले मामले में कई लोगों को समन जारी किया गया था और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई थी। लेकिन जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था, तभी से ही झारखंड की सियासत इस वजह से भी तेज हो गई थी, क्योंकि एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना था कि केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही बोलती हुई नजर आती है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सही है तो उन्हें ईडी जाना चाहिए और ईडी के तमाम सवालों का जवाब भी देना चाहिए। लेकिन देखिए, आपने सही कहा कि झारखंड की सियासत इसलिए भी ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय जाना था, चौथा समन जारी किया गया था। और आमूमन हम लोग देखते हैं आसिया कि तीसरा समन अगर किसी को जारी होता है तो उन्हें ईडी कार्यालय जाना ही पड़ता है, लेकिन चौथा समन जारी किया गया है। तीसरे समन तक लगातार भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने से पीछे नहीं हट रही थी। बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी एक ट्वीट आया है करिश्मा, वो भी अपने दर्शकों को बता दूं कि उन्होंने कहा कि आज ईडी कार्यालय अगर नहीं हाजिर होते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता था, इसलिए वो कोर्ट टू कोर्ट मारे चल रहे हैं, दौड़े चल रहे हैं, इस तरह का कुछ उन्होंने ट्वीट किया है। तो क्या वाकई ये इतनी मुश्किलें बढ़ जाती मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि चौथा सम्मन ये था और अब हाईकोर्ट अगर नहीं जाते मुख्यमंत्री तो उनके लिए मुश्किलें हो जाती? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है आसिया, वही हम बता रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सही है तो वो ईडी कार्यालय जा सकते थे, ईडी के सवालों से वो बच रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वो ईडी कार्यालय जाएंगे तो गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिमाग में अभी कई चीजें चल रही है। उनको ये भी डर सता रहा है कि आदिवासियों की जमीन के साथ उन्होंने क्या घोटाला किया था और कितने जमीन उन्होंने हड़पे थे आदिवासियों के, तो उन्हें मुख्यमंत्री को ज्यादा अच्छे से पता होगा, भारतीय जनता पार्टी ये बोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप विपरीत यानी कि अगर आप कांग्रेस और जेएमएम का सुनिएगा तो उनका कहना रहता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे पहले भी तो अवैध खनन मामले में गए थे, अगर उन्हें डर सताता तो वो उस वक्त भी नहीं जाते, उस वक्त उन्होंने सामना किया था। लेकिन लगातार अगर ईडी की ओर से उन्हें परेशान किया जाएगा तो वो तो कानूनी सलाह लेंगे, वो तो कुछ ऐसा क्यों करिश्मा, इस पर भी बात होनी चाहिए कि लगातार जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर ईडी और सीबीआई की जो दबिश है उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। गैर बीजेपी शासित में जो सत्ता पक्ष में है जो पार्टियां, वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों, क्या भ्रष्टाचार सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में है? बीजेपी शासित राज्यों में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? वहां पर भी कई मामले उजागर होते हैं तो वहां ईडी और सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? तो ऐसे जो आरोप हैं और ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं ये आने वाले चुनाव में कितना असर डालेंगे? जी जाहिर सी बात है कि आपने सही कहा कि जितने भी जो है हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे या फिर इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य है वहीं पर इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है। उन्होंने भी एक एग्जांपल दिया था कि सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे तो वहां पर भी इसी तरीके का नजारा देखने को मिल रहा था। इंडिया अलायंस के घटक दल है, उन्होंने एक ही सवाल पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी घोटाले नहीं होते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मंत्री है वो
बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, क्या उनमें घोटाले नहीं होते, तो सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में इसी तरीके की दबिश क्यों देखने को मिल रही है? जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर भी इसी तरीके का देखने को मिले, अगर ईडी वहां पर पहुंचती है तब हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम जानेंगे कि अगर हमारे साथ, अगर हम कुछ गलत कर रहे होंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री विधायक ऐसे करते हैं तो उनमें कोई भी जांच देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि झारखंड में भी देख लीजिए, कई ऐसे मंत्री विधायक बीजेपी शासित राज्य में, कई ऐसे मंत्री विधायक थे जो कई घोटाले किए थे लेकिन आज तक वो उजागर नहीं हो पाया। लेकिन जब से यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनी है तब से ईडी सीबीआई से उन्हें डराया जा रहा है, और इसको देखते हुए झारखंड की जो राजनीति है वो पूरी बदलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सीएम डरे हुए हैं अपनी गिरफ्तारी से, सीएम का कहना है कि हम झारखंड के पुत्र है, जेल जाने से डरते नहीं है। तो कह सकते हैं कि अगर आने वाले समय में अब हाईकोर्ट से कोई भी फैसले आए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर दो चीज बोला जा रहा है, अगर हाईकोर्ट के फैसले विपरीत हो, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते वैसा ना हो, या फिर अगर उनके पक्ष में हो तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका मिला है, अगर हाईकोर्ट से उन्हें झटका मिलता है तो आगे की क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले अभी नहीं आए हैं, सुनवाई जब होगी तो तमाम चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा कि आखिर अब आने वाले समय में झारखंड की सियासत किस गली जाती है। तो करिश्मा ने बिल्कुल सही कहा, कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है कि राज्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी। अगर हाईकोर्ट मुख्यमंत्री के पक्ष में फैसला देता है तो बहुत हद तक चीजें संभल जाएंगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे फैसले आते हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया, या फिर मुख्यमंत्री के विपरीत ये फैसला आता है, तो आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति भी बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसे लेकर बीजेपी के नेता काफी मुखर हैं, और जो लगातार बाबूलाल मरांडी हमलावर हो रहे हैं, एक तरह से वो सीधे बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस मामले पर जेल जाना पड़ सकता है, इसलिए ये बेचैनी है और ईडी कार्यालय हाजिर नहीं होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। तो अगर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के फेवर में हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता है तो वाकई क्या राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा, ईडी की कार्रवाई कहां तक जाएगी, क्योंकि जमीन घोटाले के मामले में जितने लोगों से भी पूछताछ हुई है और उसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, सभी जेल में हैं और जमानत के लिए लगातार वो अपील कर रहे हैं लेकिन जमानत फिलहाल नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल चुनावी फिजा अब आ रही है और ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप और ज्यादा नजर आने लगेंगे, एक दूसरे पर और हमलावर होंगी राजनीतिक पार्टियां, और वो तमाम खबरों से आपको हम अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज 22। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।